यूपी विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है, 7 उम्मीदवार की सूची जारी की गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा लड़ेंगे चुनाव, फूलपुर से दीपक पटेल को बनाया गया है बीजेपी का उम्मीदवार, करहल से अनुजेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है, कटेहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी प्रत्याशी बने हैं, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी प्रत्याशी बनी है। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी की लिस्ट अब जारी हो गई है, जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा लड़ेंगे चुनाव, फूलपुर से दीपक पटेल को दिया गया है टिकट, करहल से अनुजेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने पीडीए का काट ढूंढ लिया है, पीडी के तहत इस बार चुनावी हुंकार भरती हुई भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में नजर आएगी। कटहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है। उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। 7 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी के इस लिस्ट में शामिल है। तो लगातार सियासत तेज थी बीजेपी की लिस्ट को लेकर कि आखिर किस संदूक में बीजेपी ने अपनी लिस्ट छिपाई है, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर जारी था। वही संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए नजर आ रहे थे, और अब बीजेपी की 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 7 उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा पर दाव लगाया गया है, फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर हैं, करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस चीज का इंतजार था, जिस लम्हे का इंतजार था, वो लिस्ट अब आ गई है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, क्या कुछ खास है इस लिस्ट में? भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, एक सीट आरएलडी के खाते में गई है। कानपुर की सीट का मऊ पर अभी भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, अंदर खाने में चर्चा है, ये सीट हो सकता है निशान पार्टी को दी जाए। लेकिन जो 7 उम्मीदवारों की आई है उसमें जो है भाजपा ने जो फोकस है बीजेपी का वो पिछड़े वर्ग पे है। जो समाजवादी का पीडी कार्ड है काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्ग के 4 उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। एक दलित चेहरा है, एक ब्राह्मण और एक ठाकुर व्याजी के कैंडिडेट को मौका दिया है, सामाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश की है। राजनीतिक गलियारे में जो पेप चल रहा है पीडीए का, उसकी काट साफ तौर पर इसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि ये पीडीए की काट भाजपा ने निकाल लिया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनावी हुंकार भरेंगे। संजीव शर्मा की अगर बात करें तो क्या कुछ उनका जनाधार है, कितना प्रभाव उनका? गाजियाबाद सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। समाजवादी पार्टी इस सीट को जो है कांग्रेस के पाले में देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के एक खड़े का मानना था कि गाजियाबाद जो है वो एक हरेली सीट है जिस पर इंडिया गठबंधन जीत नहीं सकता है, काफी दमखम है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। संजीव शर्मा का अपना जनाधार है और यहाँ पर बीजेपी रिलैक्स मूड में है गाजियाबाद। बिल्कुल बेहद रिलैक्स मूड में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने कई बार जीत दर्ज की है। फूलपुर सीट की बात करें, दीपक पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तेज प्रताप यादव के विपक्ष में अपोजिशन में खड़े हैं दीपक पटेल। कितना जनाधार, कितना प्रभाव और कितना दिलचस्प है ये इक्वेशन? देखिए, फूलपुर सीट की अगर हम बात करें तो ये प्रयागराज जनपद की सीट है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है वो अपने जो है मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के हैं दीपक पटेल, इनको मैदान में उतार करके
एक मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। फूलपुर में कांटे के पंघर उम्मीद बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें हम करहल, जो समाजवादी पार्टी की एकदम रिलैक्स जोन की सीट है, जहाँ पे तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद है, मुलायम परिवार के हैं, वैभव परिवार का वहाँ पर अपना गढ़ माना जाता है, वहाँ से अनुदेश यादव को मौका दिया है। अनुदेश यादव जो है वो रिश्तेदार बताए जाते हैं अखिलेश यादव, तो एक बड़ी पेनमारी की है यादव परिवार में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल करह से अनुदेश यादव को उतारा है। अब कितना सफल ये प्रयोग बीजेपी का नजर आएगा, देखना बेहद दिलचस्प। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।